राजस्थान में कांग्रेस सरकार में रहे पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को लेकर देशभर में उड़ी सियासी अफवाहों पर टोंक कांग्रेस जिलाध्यक्ष हरि प्रसाद ने विराम लगा दिया है। सियासी गलियारों में चुनाव लड़ने के लिए पायलट की विधानसभा को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही थी। कभी दौसा से चुनाव लड़ने की अफवाह तो कभी अजमेर के नसीराबाद से और कभी मसूदा से चुनाव लड़ने की अफवाह। इतना ही नहीं, टोंक में विरोध के चलते विधानसभा सीट बदलने की अफवाह फैलाई जा रही थी। वहीं इन तमाम अफवाहों और कयासों पर जिलाध्यक्ष हरि प्रसाद ने विराम लगाते हुए कहा कि सचिन पायलट टोंक विधानसभा से ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि कांग्रेस पर्यवेक्षकों और प्रभारी को टोंक विधानसभा सीट से कांग्रेस के 18 कांग्रेसियों ने पायलट के सामने दावेदारी जताते हुए बायोडाटा भी दिया है। टोंक जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए टोंक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हरि प्रसाद बैरवा ने बताया कि जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के अग्रिम मोर्चे पर एक प्रस्ताव बनाकर टोंक विधायक सचिन पायलट को भेजा गया था। भेजे गए प्रस्ताव में पूर्व डिप्टी सीएम और वर्तमान में टोंक विधायक सचिन पायलट से एक बार फिर से टोंक विधानसभा से ही चुनाव लड़ने की मांग की गई। हरि प्रसाद बैरवा ने बताया कि भेजे गए प्रस्ताव पर पायलट ने अपनी स्वीकृति जारी कर दी है। ऐसे में यह आधिकारिक तौर पर कहा जा सकता है कि पायलट टोंक से ही चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले इस सीट से 18 नेताओं ने चुनाव लड़ने की मंशा जताते हुए अपनी दावेदारी पेश की थी, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाओं का दौर शुरू हो गया था। पायलट के विधानसभा क्षेत्र में अब तक पायलट ने खुद कोई दावेदारी नहीं जताई थी। ऐसे में उनके सामने 18 उम्मीदवारों के सामने आना कहीं ना कहीं आपसी गुटबाजी दिखा रहा था। अब कांग्रेस कमेटी द्वारा इस ऐलान के बाद इन तमाम अफवाहों और चर्चाओं पर भी विराम लग सकता है। लोकवार्ता न्यूज़, जयपुर।